धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्मोत्सव। जैन समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। पार्षद ने पीआईसी बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ से की गाली गलौज। पुलिस ने किया पार्षद को गिरफ्तार। दीपक बावरिया पहुंचे दमोह। कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। श्री हनुमान प्रगटोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से दमोह विकास खंड के 54 से अधिक गांव के किसान भाइयों के लिए सौगात। सतधरु मध्यम सिंचाई एवं पेयजल परियोजना टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ। धन्यवाद माननीय जयंत कुमार मलैया। लागत 315.64 करोड़ रुपए। लाभान्वित क्षेत्र 7555 हेक्टेयर। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। सत्य अहिंसा और सद्भाव का संदेश देने वाले जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जन्मोत्सव शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो सिटी नगर से प्रारंभ होकर नथिया जी मंदिर पहुंची, जहां महावीर स्वामी का अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में अनगिनत कवियों में जैन धर्मावलंबी सवार थे, वहीं भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल थी। हर कोई भगवान महावीर के रथ को खींचने आता नजर आया। इस शोभा यात्रा का वैश्य महासम्मेलन द्वारा घंटाघर पर स्वागत किया गया, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री एवं वैश्य महासम्मेलन के संरक्षक जयंत मलैया भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, प्रभारी शिव अग्रवाल, युवाध्यक्ष गणेश अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में वैश्य महानुभावों की मौजूदगी रही। मलैया की उपस्थिति रही। इसमें
व्यस्त महासम्मेलन के सभी सदस्यों की बड़ी मात्रा में देर रात नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, सीएमओ कपिल खदे, सभापति नीरज चौरसिया सहित नगर पालिका के अनेक पार्षद कोतवाली पहुंचे। दरअसल में ये सभी कोटेरा वार्ड 3 पार्षद रूपेश नगर के खिलाफ शिकायत करने यहां आए थे। इनका कहना था कि उक्त पार्षद ने पीआईसी बैठक में हंगामा किया एवं गाली गलौज करते हुए सीएमओ के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इसके साथ ये नगर पालिका अध्यक्ष से भी बदतमीजी की। पुलिस ने मामले की जांच कर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। बजट पारित हो गया और चाय नाश्ता जो स्वल्प आहार चलता है वो चल रहा था। इतने में एक हमारे यहाँ के निर्वाचित पार्षद हैं श्री रूपेश रजक कोटेरा वार्ड 3 से, वो आए बैठे मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने बकाया चाय नाश्ता किया। अचानक पता नहीं कहाँ से उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने टेबल पर हाथ पटकना शुरू कर दिए, सबको गाली देना धमकाना शुरू कर दिया। फिर हमारे यहाँ के सभापति हैं श्री के प्रतिनिधि हैं श्री नितिन चौरसिया जी, वो उनको समझा बुझा के बाहर ले गए। उन्होंने जो टेबल पर अध्यक्ष महोदय आके कागज रखे हुए थे उनको फाड़ फूड़ के फेंक दिया, सबको धमकी दे के चले गए। तो उसके बाद चूँकि एक कार्यक्रम था माननीय मंत्री महोदय का पट्टा वितरण का, हम लोग वो सब कार्यक्रम कराए। फिर यहाँ पर पूरी PIC के सदस्य और अध्यक्ष महोदय आए, क्योंकि हम भी वहाँ पर थे। हम सब लोग इकट्ठे फरियादी बन के यहाँ आए हैं कि हम लोग जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और इस तरह ये गतिविधियाँ जो हो रही हैं वो उचित नहीं है। रूपेश किस PIC मेंबरों की हम लोग की बैठक चल रही थी, उसमें रूपेश रजक पार्षद आए और पहले CMO के साथ गाली गलौज करके अतिक्रमण हटाने की बात करने लगे, दबंगिया के साथ हाथ पटक पटक के। उसके बाद उन्होंने पेपर फाड़े, फिर हमारे साथ भी उल्टे सीधे शब्द बोले और हाथ पटक के कांच पे कई बार बोला अध्यक्ष पर से इस्तीफा दे दो, नहीं चला पा रही तो हम चलाएंगे, गुंडा राज खत्म, गुंडा राज चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा। और दोनों हाथों से पटक पटक के हमारी बहन बैठी थी अनीता शर्मा, वो भी हमारी सभापति है, हमारे PIC के पूरे मेंबर बैठे थे और बहुत अधिक अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे और ऊटपटांग हरकत कर रहे थे, हाथ पटक रहे थे दोनों हाथों से और मारने की धमकी दे रहे थे। किस मामले पर चल रही थी बैठक? बैठक हम लोग की PIC की बैठक चल रही थी बजट के संबंध में, बजट के पेपर भी फाड़े। कौन कौन था इस बैठक में? बस इस बैठक में हमारे सभापति थे उपाध्यक्ष नंदू नरेंद्र सिंह चंदी, राजस्व के सभापति श्रीयांश लहरी, इसके बाद अनिता शर्मा PWD की सभापति हमारी, जल सभापति विक्की ठाकुर और सफाई के सभापति मैडम चली गई थी, लेकिन उनके पति थे नितिन चौरसिया। जहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, CMO कपिल खरे एवं अन्य सदस्य मौजूद थे, वार्ड पार्षद रूपेश रजक अनाधिकृत रूप से आया, इन लोग के साथ अभद्रता की वहाँ मौजूद सदस्यों के साथ, और जो बजट था उसके दस्तावेज फाड़ दिए, वहाँ पे तोड़फोड़ की। जो कपिल खरे CMO कपिल खरे के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मा...
महासचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का आज दमोह आगमन हुआ। उन्होंने मानस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेसी अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। दीपक बावरिया के आगमन को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित महिला कांग्रेस सदस्यों एवं जिले भर से आए कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। आपने के तीन तलाक के मुद्दे पर आपने लोकसभा गोवा में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मंदिर बनाना है, तो आज लोकसभा में उनका बहुमत है, राज्यसभा में उनका बहुमत होने के लिए जा रहा है। अगर एक लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दे कि वो मंदिर बनाना चाहते हैं, तो न्यायालय से केस वापस आ जाएगा। मंदिर बनाना होता ईमानदारी से तो क्या उनके हाथ में अवसर नहीं है मंदिर बनाने का? बताइए, तमाम लोग बताइए, उनके हाथ में अवसर नहीं है क्या? उन्होंने जो बिना शादी के अपनी पत्नी को भगा दिया, कम से कम उनके बारे में भी एक कानून बना। हमारे पूरे प्रदेश में दौरा हो रहा है और आज तक चार डिस्ट्रिक्ट मैंने जो है दौरा कर लिया है, और आज जो है दमोह का जो टर्न था, हम प्रदेश के सभी वर्करों के साथ उनके मोटिवेशन के लिए और आने वाले चुनाव में पार्टी की तरफ से क्या प्रकार की रणनीति होनी चाहिए उसकी चर्चा के लिए उनके साथ एक वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं। किस तरह की चर्चा अभी तक आपकी हुई है, किस तरह के प्रत्याशियों का चयन आप करेंगे? कई प्रकार की एक मांग आती है, ज़्यादातर जो है एक मांग आती है कि उपयुक्त जो हो, सबसे जीतने वाला हो, सभी वर्करों को स्वीकार हो, साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को आप करें, नए चेहरे को आगे करें, इसी प्रकार की मांग ज़्यादा रहती है।